हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन आर्ट। और आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं अपने बेलकनी के गार्डन की बारे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये मेरे फर्स्ट फ्लोर की बेलकनी है जिसको कि मैंने अपने कुछ ऐसे प्लांट्स से डेकोरेट किया हुआ है जिनको मुझे रेगुलर वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक ड्रायसीना लगाया हुआ है जो कि जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ज़्यादातर मेरे बैल्कनी में प्लांट्स वही हैं जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ड्रायसीना जिसको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसके जो बॉटम में मैंने एक रियो का प्लांट लगा के रखा हुआ है जो कि पूरा बुशी हुआ पड़ा है, और उसके जस्ट बिल्कुल उसमें मैंने फॉक्सटेल फर्न लगा के रखा हुआ है। ये भी इसको भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है और शेड में बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट फ्रेंड्स, मैंने एक ही प्लांट लिया था, उससे मैंने बहुत सारे प्लांट लिए। लो मेंटेनेंस प्लांट है, धूप की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो ये मेरा स्नेक प्लांट है। इसके आगे एक मैंने ट्रे गार्डन बना के रखा हुआ है जो कि मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर किया था, और कुछ मैंने यहाँ पर जो इसमें फिगर्स वगैरह रखे हुए हैं थोड़ा सा इसको और ब्यूटिफाई करने के लिए। और इसके बाद मेरा यहाँ पर एरेंथेमम का प्लांट है, ये भी धूप में भी अच्छा चलता है, शेड में भी अच्छा चलता है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। उसके साथ में फिर अगेन एक स्नेक प्लांट है जो कि मदर प्लांट है, इसी से ही मैंने सारे प्लांट तैयार किए हैं। फ्रंट कॉर्नर पे जो है मैंने एक स्नेक प्लांट लगा रखा है, और उसके साथ दो प्लांट्स मेरे एलोवेरा के प्लांट्स हैं। एलोवेरा के प्लांट्स फ्रेंड्स जो शेड में हम जब रखते हैं तो इसके ऊपर बिल्कुल ग्रीन ग्रीन इफेक्ट आता है और बहुत अच्छे सर्वाइव करते हैं, और अगर हम धूप में रखते हैं तो ये रेड रेड कलर के हो जाते हैं। और इसके एक जो पॉट है, पॉट में भी इसके साथ बेबी प्लांट्स तैयार हो चुके हैं, और आगे भी मैंने छोटे से इसके स्नेक प्लांट के आगे छोटे छोटे मग्स हैं उसके अंदर मैंने अगेव के प्लांट लगा रखे हैं। और ये मेरा थोड़ा सा कॉर्नर का लुक है। और दूसरी साइड को आते हैं फ्रेंड्स, तो अगेन मैंने एक और प्लांट है उसके अंदर सनसेवेरिया का प्लांट लगा के रखा हुआ है जो कि मैंने वही अपने मदर प्लांट से तैयार किया था। और फ्रेंड्स, इस तरह से और भी मैंने छोटे छोटे से फिगर्स लगा के रखे हुए हैं अपने इसमें। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक वाइट कलर के स्टोन के ऊपर मैंने अपने जो बोनसाई मैं बना रही हूँ जेड प्लांट्स की, वो मैंने डेकोरेट करके रखी हुई है। इनको भी ज़्यादा पानी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और लो मेंटेनेंस में चल जाते हैं। इधर की तरफ को थोड़ी सी धूप आती है तो ये बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये भी एक मेरा जेड का प्लांट है, येलो कलर के पॉट में है, और उसके साथ जो है एक डक का फिगर रखा हुआ है। ये भी एक मेरा जेड का प्लांट है, अभी थोड़ा प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट है। ये भी मैं इन सभी प्लांट्स को मैं एक ट्री का शेप देने जा रही हूँ। ये सारे के सारे फ्रेंड्स मेरे जेड के प्लांट्स हैं, और मैंने अपने एक दो प्लांट्स थे जेड्स के उन्हीं में से बार बार कटिंग कर करके इस तरह से मैंने अपने बहुत सारे बोनसाई ट्रेस तैयार कर रही हूँ। क्योंकि जेड जो है वो एक सकुलेंट वैरायटी का है, लो मेंटेनेंस का प्लांट है, तो उसको अगर हम 4-5 डेज में भी वाटर देते हैं तब भी बहुत अच्छा चलता है, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं प्लांट्स। और इसको हम बुशी भी बना सकते हैं, इसकी हम बोनसाई भी बना सकते हैं, और बहुत इजी टू केयर प्लांट है, और एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि इसकी छोटी सी कटिंग भी जो होती है 1 इंच की 2 इंच की, वो भी अपने आप ग्रोथ कर लेती है। और उसके ऊपर जो मेरे बैल्कनी का पैराफिट है वहाँ पर मैंने जो है मेरे बोनसाई ट्रीज के बाद एक और मैंने एक प्लांट रखा हुआ है जिसके ऊपर जिसमें मैंने चाइना पाम लगा के रखा हुआ है। और चाइना पाम भी जो है अगर हम इसको सॉइल में ग्रो करते हैं तब तो ये धूप बर्दाश्त कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है, लेकिन अगर हम इसको सॉइल में नहीं रखते हैं तो इसके लीव्स बर्न होना शुरू कर देती हैं। पहले इसको मैंने अपने टेरेस पे रखा था लेकिन इसकी लीव्स बर्न हो जाती थी, इसलिए मैं उसको अपनी बैल्कनी में लेके आई हूँ। और उसके बाद मेरे बैल्कनी के पैराफिट जो है उसमें मैंने छोटे छोटे से 6 इंच के पॉट्स हैं, उनमें जो है एक मेरा जेड का प्लांट लगा हुआ है जो कि जिसको मैं कास्केट का जैसा लुक दे रही हूँ, कास्केट मीन्स फॉलिंग ट्री की तरह। तो ये जो है अभी इसकी लीव्स शेड कर गई हैं लेकिन बहुत थिक इसकी ब्रांच है। और उसके बाद ये मेरे
मेरे पास मैंने बहुत सारे अपने छोटे छोटे 6 इंच के पॉट के अंदर अजवाइन की लीव्स के प्लांट लगा के रखे हुए हैं। ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो इनको अगर स्प्रे कर देते हैं या 2-3 दिन के बाद पानी देते हैं तो बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। और एक प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं, तो इस तरह से हम अपने घर में लो बजट में जो है वो बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और शुरू शुरू में हम थोड़े थोड़े प्लांट्स से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। अगेन, ये एक प्लांट है मेरा जेट का, और उसके बाद फिर ये मेरा एक मॉस रोज का प्लांट है। अभी इसमें इस वक्त 1-2 फ्लावर्स दिखाई दे चुके हैं। ये इवनिंग का टाइम है इसलिए सारे फ्लावर्स स्पेंड हो चुके हैं, तो ये थोड़े से इसमें 2-3 फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि स्पेंड होने के उसमें हैं। और उसके बाद फिर ये मेरा जो है वो अजवाइन का प्लांट है एक और 6 इंच के पॉट में। तो इस तरह से मैंने अपने पैराफुट को जो अपने अजवाइन के प्लांट से मैंने डेकोरेट करके रखा हुआ है। तो इस तरह से मेरा बालकनी का एक साइड का लुक बन के आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से मैं अगर अपने कैमरा को मूव करती हूँ तो ये कुछ ऐसा सा लुक बन के आता है मेरे कॉर्नर से होता हुआ मैं जब टर्न लेती हूँ। और उसके बाद बालकनी में इधर एक मैंने हमारा एक पिलर है, पिलर पे मैंने एक वुडन स्टूल रखा हुआ है और उसके ऊपर मैंने 2 प्लांट लगा रखे हैं, ड्रेसिना के मार्गरेटा रेड कलर के प्लांट्स हैं, काफ़ी बुशी हो चुके हैं। तो ये प्लांट है और उसके बाद एक और भी रेड कलर का मार्गरेटा प्लांट है और उसके आगे ही मैंने एक ड्रेसिना का प्लांट और लगा के रखा हुआ है। ये मेरा ग्रीन कलर का ड्रेसिना का प्लांट है। तो ये एक तरह से अपने आप में एक फैमिली वाला लुक आ रहा है कि मार्गरेटा के ही ड्रेसिना के ही वैरायटी है। और इस तरफ को फ्रेंड्स अगर आते हैं तो मैंने इधर एक वॉल है, वॉल के साथ मैंने डिफिन बेचिया के प्लांट लगा रखे हैं। मेरे काफ़ी पुराने प्लांट हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं, अब इनकी कटिंग करके इनमें से और प्लांट्स तैयार करूँगी। तो दोनों साइड मैंने जो है डिफिन बेचिया के प्लांट रखे हैं और नीचे भी मैंने पॉट के अंदर डिफिन बेचिया के प्लांट लगा के रखे हुए हैं। 2 सेंटर इनके से उसमें वो बड़े प्लांट्स हैं, ये छोटे हैं। और बीच में जो है ये मेरे अमरेंथस लिली के बल्ब्स लगे हुए हैं जो कि अब इनका अब सीज़न आएगा आगे। ये मेरे एरेंथेमम के प्लांट हैं, ग्रीन है, जो मैंने कटिंग मदर प्लांट से कटिंग करके लगा के रखा हुआ है। और इसके साथ में ये एक मेरा और डिफन बेकर का प्लांट है और एक और ये मेरा डिफन बेकर का प्लांट है जिसको मैंने जो है दबाया हुआ है इसको स्प्राउटिंग करने के लिए। तो ये बहुत छोटा सा प्लांट है। और अगर दूसरी साइड पर आते हैं तो फ्रेंड्स, इधर मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया या ड्रेसिना के मैंने प्लांट्स एक वॉल पे लगा के रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये मेरे इस साइड की वॉल जो है वो ये लुक देती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा बालकनी का गार्डन। आपको मेरा जो गार्डन है बालकनी का, और फ्रेंड्स मेरे घर के बिल्कुल जस्ट सामने जो है एक पार्क है जिसमें बहुत बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए हैं। और एक मेरे बिल्कुल जस्ट सामने ही एक गुलमोहर का पेड़ है जिसके ऊपर ऑरेंज ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो जब मैं जब भी फ्रंट में आती हूँ या किचन में खड़ी होती हूँ या बालकनी में आती हूँ तो बहुत एक अच्छा सा नेचुरल सा व्यू आता है कि सामने भी नेचर और मेरी बालकनी में भी नेचर है। तो फ्रेंड्स, बहुत एक प्लेजर सा फील होता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।